नमस्कार, BVM न्यूज़ के फरीदाबाद टाइम्स में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक मित्रों, फरीदाबाद में दिन प्रतिदिन जो अपराध बढ़ता जा रहा है, ये एक चिंता का विषय कहा जा सकता है। बीते 48 घंटों में जिस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने बिना किसी खौफ के तीन लोगों की हत्या की है, वह एक निश्चित तौर पर ही एक चिंता का विषय कहा जा सकता है और एक विचारणीय सबब अगर कहें तो कोई गलत बात ना होगी। जहां तक पुलिस की भूमिका का जो प्रश्न है, वो हमेशा की तरह अब भी संदिग्ध उसमें ही कही जा सकती है। पुलिस की कार्यशैली पर अनेक प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं इन मामलों में, और ये क्यों लगते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और लोगों का यही कहना है कि पुलिस एक मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती है, जबकि संभवतः पुलिस की अपनी समस्याएं भी हो सकती हैं और होंगी। 1 फरवरी को पर्वतिया कॉलोनी में चाकुओं से गोदने के बाद गोली मारकर दिन दिहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। 2 फरवरी को विजय रामलीला में राम का किरदार निभाने वाले एक अनुराग नाम के व्यक्ति का अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसका शव जो है वो अभी तक बरामद नहीं हो सका। और 3 फरवरी की रात को पुरानी रंजिश के चलते 17 साल के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले मासूम एक नाबालिग को कहें, किशोर प्रशांत की सिर में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। शहर में जो ये खूनी खेल चल रहा है, इसके पीछे क्या जो वजहत हैं, ये बहुत एक गंभीर समस्या है। अपराधी जो है दिन प्रतिदिन हत्या पे हत्या करते जा रहे हैं और पुलिस जांच करने की बात कहती है। नाबालिग प्रशांत की हत्या का मामला फरीदाबाद के गांव मछगर का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते अपराधियों ने सिर में सामने से गोली मारकर हत्या कर दी और बॉडी को उन्होंने IMT की कंपनी अमूल के पीछे फेंक दिया, जहाँ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया। प्रशांत की हत्या के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्वाभाविक है कि एक किशोर की हत्या हो जाना, और ये बहुत एक परिवार के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही चिंता का विषय कहा जा सकता है, और एक ऐसी चोट है जो बहुत गहरी कही जा सकती है। मामला ऐसा है जी, यह 9 तारीख को 3 साल हो जाएंगे, हमारे बड़े लड़के के भतीजे के गोली मारी, 7-8 महीना अपोलो में रहे हो, है जी। उसके बाद 15 जनवरी को फिर इन्हें झगड़ा कर दिया, तीनों जो छोरा मारे हो, ये इससे बड़ा और बंट इनके तीनों के हमारे मार के गिर दिए, चोट लग रही है सब इनके, है जी। और उसके बाद ये बुलाया फ़ोन करके लड़का प्रशांत, है जी। अब उसके बाद भगवान जाने कहाँ मारे हो, के कितने हैं कितने ना, हम खून भी पुलिस और हम देख के आए हैं, हम वहाँ देखे भी ना गया। नवादा गांव के खेतों में प्रशांत नाम का लड़का है, मछगर गांव का, उसकी कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस संदर्भ में हमने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, हमने इसमें FIR दर्ज कर ली है और मृतक के परिजनों के बयान पर हमने FIR दर्ज की है। इन जो लोगों के नाम उन्होंने दिए हैं उनको हिरासत में लेकर हम पूछताछ कर रहे हैं। टोटल कितने लोगों के खिलाफ मामला इसमें दर्ज किया गया? अब तक इन्होंने 10 आदमी बाई नेम दिए हैं और कुछ अन्य भी हो सकते हैं, तो जो भी ये नाम दिए हम सबको वेरीफाई करेंगे, सबसे हम पूछताछ करेंगे। कहाँ गोली मारी गई है उसको और किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया? गोली मारकर हत्या की गई है, सिर में गोली मारी है।